गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास मान नरवाल जी। आज के क्लास में मैं प्रीवियस टॉपिक जो चल रही थी, हाउ टू मेक इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। उस बार थोड़ा सा एक्टिसिटी फेल हो जाने के कारण मुझे मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर पाया था, तो पुनः मैं आपको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल के माध्यम से कि कैसे आप उसको आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते। इसके पहले बात चल रही थी डब्ल्यू एस क्वेश्चंस और यस नो क्वेश्चंस की बात। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के, पहला होते हैं स्टार्टिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड्स, जिसमें आपका व्हाट से, व्हाई से, व्हेन से, व्हेयर से, ये सब से आपके जो वाक्य होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल में हाउ आर यू, व्हेयर डू यू लिव, हु आर यू, व्हेन डू यू गेट अप, तमाम तरह के जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव को हम डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं उसे हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है वो है एग्जिलरी वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें आपका प्राइमरी एग्जिलरी जैसे इज आर एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, है ना, ये सब से स्टार्ट होने वाले अगर मान ले जाए कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो उसका जवाब आप इजिली पूर्वक यस और नो में दे सकते हैं। जैसे अगर आपसे हम पूछे आर यू अ बॉय, तो आप जवाब यस में या नो में दे सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ replies, we can say that this is a type of yes no questions in interrogative sentence. तो yes no के जवाब के आधार पे हम आपको बता सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन है वो yes no question से जुड़ा है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि interrogative sentence एक WHO से start होते हैं और दूसरे जो start होते हैं वो आपके adjectives से start, जो एग्जोरी से स्टार्ट होते हैं उसको यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं और जो डब्ल्यू एस वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो डब्ल्यू एस वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अंतर भी मैंने आपको बहुत ही बारीकी से बता दिया, जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं वो यस नो क्वेश्चन हो गया, जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं वो आपका डब्ल्यू एस वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को बदलने, एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा सा प्रीवियस एग्जाम्पल को मैं पुनः रिपीट करते हुए आज की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं, इसलिए आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। दिक्कत हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, देर सवेर आपको जवाब जरूर मिलेगी और आपका समाधान भी। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, कैसे हम चेंज करें, हाउ टू मेक या हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन इन इंटरनेटिव। कैसे हम उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यही है आज का आपका टॉपिक। एग्जाम्पल आप देखिए, ही सेड टू बी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट
Are you interested in reading poetry? देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे बना। He said to me, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करेंगे आस्क। तो सेड टू को आस्क में बदलेंगे कि आस्क में, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की बदलने की बारी आती है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि ये डब्ल्यू एस वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो वे शब्द ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे उतर जाते हैं, और यदि वे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे या एक्सिलरी से शुरू होने वाले सेंटेंस होंगे इंट्रोगेटिव वाले तो उसके जगह पे हम इफ लगाते हैं। और एक और चीज, जहां पे चॉइस का बोध होता है, जहां पे ऑप्शन आता है, वहां पे हम वेदर का बोध। तो तीनों एग्जाम्पल की मदद से हम तीनों का एनालिसिस करें। तो आइए, ही आस्क्ड मी, ये आपका यस नो क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही हो गया। यस नो क्वेश्चन मीन्स स्टार्टिंग विद एक्सिलरीज वर्ब, देखिए आ रहे हैं, आर से स्टार्ट हुआ है। आर यू इंटरेस्टेड इन रीडिंग पोएट्री, क्या आपको पोएट्री पढ़ने में दिलचस्पी है? आप इसका जवाब यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, जो की एक्सिलरीज से स्टार्ट होते हैं, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने ठीक नहीं बताया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को रूल्स मैंने कल प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार बदलते हैं, इफ में, वेदर में या फिर डब्ल्यूएस वर्ड से दिखाते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और अदर चेंजेस का ख्याल रखते हुए हम इंट्रोगेटिव पैटर्न को असर्टिव पैटर्न में चेंज करते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव पैटर्न का पहचान होता है क्रिया पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में। तो जब हम असर्टिव बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट बुलाते हैं उसके बाद क्रिया को। तो सब्जेक्ट है आपका यू, यू सेकंड पर्सन चेंज इन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है, मी आपका बदल गया। उसके बाद देखिए आर, आर बदल जाएगा, देखिए सेड है तो चेंज ऑफ टेंस के अनुसार आर बदल गया आपका वाज में, आई वाज इंटरेस्टेड इन रीडिंग। क्योंकि इंट्रोगेटिव से जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो साइन ऑफ पंक्चुएशन या पंक्चुएशन जो मार्क्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, चेंज। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम वॉइस बनाते हैं एक्टिव से पैसिव तो जैसा वो एक्टिव मोड में सेंटेंस होता है वैसा ही पैसिव मोड में होगा। मतलब अगर असर्टिव का एक्टिव वॉइस आएगा बनाना तो पैसिव में भी वे असर्टिव ही बने, अगर इंट्रोगेटिव के होंगे एक्टिव वॉइस तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन नरेशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट का सेंटेंस कैसा भी हो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम असर्टिव मोड में ले, ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पहला एग्जांपल आपका क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं जो कि डबल एज क्वेश्चन वाले हैं, जैसे माय सिस्टर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हाउ आर यू, मेरी बहन ने मुझसे कही हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। तो देखिए ये स्टार्टिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड्स, तो इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इसमें नहीं बदलेंगे बल्कि इसके जगह पे यही सब करेंगे, कैसे, देखिए इसको बनाएंगे माय सिस्टर सेड टू मी, देखिए इंट्रोगेटिव है इसको आस्क में बदल देंगे, आस्क मी, उसके बाद डबल एच वर्ड्स हाउ है तो हाउ में ही यही कर दिया आपका हाउ। सेकंड पर्सन चेंज इन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो क्या हो गया आई, हाउ आई।
और आर जो है वो आपका बदल गया, चिन्ह आपका सॉरी प्लस बदल गया। तो इस प्रकार आपने देखा खेल तीनों तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में खेल बस इनवर्टेड कॉमा का बदलने को लेकर जो कि क्लियर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं चॉइस वाले कि चॉइस वाले अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसे कैसे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। माई फ्रेंड एग्जाम्पल है आपका थर्ड है, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। माई फ्रेंड सेड टू मी वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी लेना पसंद करोगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना ये डब्ल्यूएस वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, लेकिन वुड जो है वो एक्जरीज है जिसको हम मॉडल एक्जरीज कहते हैं, मतलब ये यस नो वाले। लेकिन यस नो होने के बावजूद भी इसको हम इफ में नहीं बदलेंगे, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमें वेदर में बदलना पड़ेगा क्योंकि इसमें चॉइस का बोल रहा है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आपको चॉइस दिया जा रहा है। तो इसको हम बनाएंगे माय फ्रेंड सेड टू मी को बदल देंगे आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ में बदलना है, मॉडल एक्वेरीज है लेकिन यहाँ पे चॉइस है इसलिए आपको वेदर का स्पेलिंग हो गया WHEPHER, ठीक है, कंफ्यूजन है वेदर का स्पेलिंग। तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर, अब देखिए वुड है यू है, पहले सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखिए मी है तो आई लाएंगे इसको, ठीक है, उसके बाद वुड लिखेंगे आई वुड, वुड मॉडल एक्जरीज है इसलिए इसके बाद टेंस परिवर्तन नहीं होगा, वन ही रहेगा। लाइक टू टेक टी, टुक टी भी नहीं होगा क्योंकि टू के बाद वन होता है जिसको इंफिनिटिव बोलते हैं और मॉडल एक्जरीज के बाद वन होते हैं, तो कारण यही है कि इसमें चेंज ऑफ पर्सन नहीं किया। टेक टी और तो इस प्रकार आपने देखा कि यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस से यदि ऑप्शन का बोध हो जाए, यदि चॉइस का बोध हो जाए तो उसे हम इफ में ना बदलकर उसे हम वेदर में बदलते हैं। तो इस प्रकार आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स और रेगुलेशन के आधार पे आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीख लिया। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब बारी आती है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस जो है वो है इंटरोगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन इन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव की है देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको, इंपेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस अ टाइप ऑफ सेंटेंस वो डिनोट्स कमांड,
जो कमांड का बोध कराता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लिख सकते हैं आप इसको अ टाइप ऑफ सेंटेंस हू डिनोट्स कमांड, जो कमांड का बोध कराता है उसे हम क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। कमांड क्या होता है, कमांड से बना है कमांडर, जो आदेश देता है। इस प्रकार कमांड का मतलब हो गया आदेश। तो आदेश के कारण इसको हिंदी में बोला जाता है आदेश सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। तो आपने मोटा मोटी जान लिया इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड की चलती है। अब इस कमांड को जब हम क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं, तो कमांड चार प्रकार के होते हैं, जिसको हम संयुक्त रूप में फोड़ा के नाम से, जहां एफ जो है वो फॉरगेट, मना करना। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं जिस वाक्य से मना करने का बोध, जैसे क्लास में टीचर बोलते हैं बच्चे को डोंट मेक अ नॉइस, तो डोंट लग गया, मत आ गया, डोंट मेक अ नॉइस। जहां देखिएगा डोंट से स्टार्ट है बाकी, तो समझ जाइएगा कि वो कमांड का है, ठीक है, और इस कारण वो इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका है थोड़ा में ओ का मतलब हो गया आपका ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब हो गया आपका आदेश, ठीक है। जैसे मैं नौकर से कहा कि पॉलिश माय शूज, मेरे जूते में तुम पॉलिश कर दो, क्या हो गया, आदेश हो, ठीक है, पॉलिश माय शूज, लिख रहा है, ठीक है, पॉलिश माय शूज, ठीक है। इससे आपका क्लासेस का बोध हो गया, आदेश का बोध। तो थोड़ा में दो को हो गया फॉरगेट, ऑर्डर बच्चा आर और एक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक थोड़ा मेफ हो गया, ओ हो गया, बचा आपका आर, आर से क्या हो गया आपका रिक्वेस्ट, विनती का भी बोल, जैसे बोलते हैं प्लीज गिव मी, प्लीज भी लगा रहता है, काइंडली भी लगा, है ना, प्लीज या काइंडली गिव मी 50 रुपीज, कृपया कर करके मुझे 50 रुपये देने का कष्ट करें, आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते, तो ये आपका रिक्वेस्ट का भी बहुत करा दिया। उसके बाद थोड़ा का जो अंतिम जो आपका कमांड होता है वो होता है ए, ए मीन्स हो गया एडवाइस, सलाह का, जिससे सलाह का बोल, रिक्वेस्ट मतलब हो गया आपका सलाह। कैसे दे सकते हैं किसी को, जैसे हेल्प द पुअर, ठीक है, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, हाँ मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि गरीबों की मदद करो। वही हेल्प द पुअर के पहले अगर हम प्लीज लगा देते हैं तो हम रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो वो रिक्वेस्ट नहीं बोलते। तो साधारण से वाक्य जो इंपरेटिव के होते हैं, है ना, उसके आगे अगर हम प्लीज या कैंडी लगा देते हैं तो जनरली वे रिक्वेस्ट के रूप में, ठीक है, तो प्लीज या काइंडली जहां लगे रहेंगे ये रिक्वेस्ट का बोध कराएंगे, है ना, जहां पे आप ना आदेश दे सकते हैं ना विनती कर सकते हैं, प्रायः ऐसे चीजों से सलाह का बोध हो जाता है, तो वहां पे हम एडवाइस का प्रयोग करेंगे, जहां पे मत लगा रहेगा
मना करना रहेगा, वहां पे हम डॉलर का प्रयोग करेंगे। जहां पे हम आदेश दे सकते हैं, अपने से छोटे को दे सकते हैं, अपने से छोटे से पद वाले व्यक्तियों को दे सकते हैं, जहां पे कमांड कर सकते हैं, तो वहां पे ऑर्डर चलेगा। इस प्रकार आपने इंपरेटिव सेंटेंस का नेचर। अब है बनाते कैसे, है ना, इसको हम चेंज कैसे करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे। तो इसके भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है, निरंतर तीन रूप से इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। रूल फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सच एज ऑर्डर फॉरगेट रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सेंस के आधार पर, उसके अर्थ के आधार पे हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, या तो आप ऑर्डर में बदलेंगे, या फॉरवर्ड में बदलेंगे, रिक्वेस्ट में बदलेंगे, या एडवाइस में बदलेंगे। ये आपका फर्स्ट रूल, या फर्स्ट स्टेप भी कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप की बात किया जाता है तो रूल टू आपका है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू टू नॉट दैट, इंपरेटिव सेंटेंस के जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उसे हम टू में बदलते हैं, दैट में नहीं बदलते। क्यों टू में बदलते हैं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस को हमें इंफिनिटिव सेंटेंस में बदलना, इसलिए हम वहां पे डैट का प्रयोग ना कर करके टू का प्रयोग करना पड़ता है। बिकॉज वी हैव टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंस इंटू इंफिनिटिव सेंटेंस। समझ गया, टू वी क्यों लगाते हैं, डैट क्यों नहीं लगाते हैं, इसके पीछे लॉजिक। तीसरा जो स्टेप है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, तीसरा जो स्टेप है आपका वो है वी फॉलो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड अदर चेंजेस आफ्टर using comma and inverted comma। comma inverted comma के बाद के जो वाक्य होते हैं उसको हम change of person, change of tense और other changes के accordingly उसको हम change करते हैं। ये आपके स्टेप। एक बार फिर से मैं आपको revision कर देता हूँ। imperative sentence को अगर direct से indirect बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। क्या मैं चेंज करेंगे, तो जैसा उसका रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ निकलेगा वैसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को उसके अर्थ के अनुसार ही कन्वर्ट करेंगे।
अगर मना करने का बोध होगा तो फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, अगर आदेश का बोध होगा तो ऑर्डर का बोध कराएंगे, अगर विनती करने का बोध होगा तो रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे, अगर आदेश देने का बोध होगा सॉरी अगर सलाह देने का बोध होगा तो एडवाइस का प्रयोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये काम करना। दूसरा रूल में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं उसको आपको टू में बदलना होगा, डेफ में नहीं बदलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंपरेटिव सेंटेंस को इन्फिनिटिव सेंटेंस में बदलना होता है। एंड रूल थर्ड में आपको फॉलो करना पड़ेगा वही तीन चीज, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड अदर चेंजेस, वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद की प्रोसेस। और इस प्रकार आप इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल बना सकते। अब एग्जाम्पल देखा जाए और एग्जाम्पल की सहायता से थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। पहला एग्जाम्पल आपका है, आई सेड टू माई सर्वेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट पॉलिश माय शूज। मैंने अपने नौकर से कहा कि मेरे जूते में पॉलिश करो। अब बताइए, एक मैंने नौकर से कहा, नौकर को मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं आदेश दूंगा, तो क्या बनाएंगे, आई सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर, सेड लगा हुआ इसलिए यही लगा, आई ऑर्डर्ड माय सर्वेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल दिए टू पॉलिश माई, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी आई है तो बिल्कुल जो करते हो जाएगा पॉलिश माई शूज। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि किस प्रकार ये ऑर्डर वाले वाक्य, जैसा इसका सेंस निकला रिपोर्टेड स्पीच का वैसा ही हम रिपोर्टिंग वर्ब का चाहिए, है ना, इसके अकॉर्डिंगली हमें ये क्या करना पड़ा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी का, ही सेड टू हिज फ्रेंड, एग्जाम्पल टू है, He said to his friend, comma, inverted comma, start, give me 50 rupees, ठीक है। उसने अपने मित्रों से कहा कि मुझे 50 रुपये चाहिए, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा, प्लीज नहीं लगा हुआ फिर भी रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, तो वहां पे आप कैसेज का प्रयोग कर सकते हैं रिक्वेस्ट का। एक चीज और, जहां पे आपको पता ना चले कि मना करने का बोध हो रहा है, कि विनती करने का बोध हो रहा है, कि आदेश देने का बोध हो रहा है, कि क्या सेंस निकल रहा है, तो वहां पे आप आंख बंद कर करके आस्क का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो आपको आस्क बदलना पड़ेगा, अगर पास्ट रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को आज में बदल देंगे। कहां पे, जहां पे आप कंफ्यूजन में रहेंगे, जहां पे पता ना चले, लेकिन जहां पे क्लियरली पता चल जाए तो उसके लिए आप प्रॉपर वर्ड का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे है, ही सेड टू हिज फ्रेंड गिव मी 50 रुपीज, इसको बनाएंगे, इससे रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है इसलिए बनाएंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड कॉमा इनवर्टेड कॉमा को टू में बदल देंगे टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देखिए ही है तो ही का जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो वो ही हो जाएगा, ही भी 50। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल टू भी होगी, रिक्वेस्ट वाला भी बन गया। तीसरा एग्जाम्पल क्यों रूट करते हैं, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वर्क सिंसियरली
इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। मैंने उसे कहा कि वर्क सेंसरली, काम को नियमित पूर्वक से करो यदि तुम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो। अब इस वाक्य से देखिए एडवाइस का बोध हो रहा, सलाह का बोध हो रहा, क्योंकि इसके लिए हम कभी किसी को कमांड नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आई, है ना। इसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या चीज का बोध हो रहा है, एडवाइस। ऊपर वाले में इसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, तो इसको हम बनाएंगे आई एडवाइस। देखिए सी ई लगा रहेगा लास्ट में नाउन और एसी लगा रहेगा तो वर्ब, इसको ध्यान रखें। तो आप वर्ब बना रहे हैं तो आई एडवाइस लगा, हिम हो गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को टू में बना देंगे। बाकी उसी तरह वर्क सिंसियरली, इफ यू सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखिए हिम है तो हिम के बदले यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही उतरेगा। वांट है अकॉर्डिंग टू सेंस वांटेड हो गया तो गेट सक्सेस। तो इस प्रकार आपने एडवाइस वाले भी सेंटेंस को देखे। अब देखिए और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 4 है, टीचर सेड टू चिल्ड्रेन डोंट मेक अ नॉइज। टीचर ने बच्चों से कहा कि डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए टीचर यहाँ पे ऑर्डर नहीं कर रहा है, ऑर्डर है लेकिन वो नेगेटिव रूप में है, अर्थात उसको हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, उसको हम मना करना कर सकते हैं, और मना करने के लिए ऑर्डर का प्रयोग नहीं फॉरवर्ड का प्रयोग होता है। इसके लिए हम बनाएंगे टीचर फॉरवर्डेड चिल्ड्रेन, ठीक है। फॉरवर्ड मीन्स मना करना, फॉरवर्ड। देखिए कुछ किताब में फॉरवर्ड और फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड आपका V1 हो गया और फॉरवर्ड आपका V2 हो गया, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आपका फॉरवर्ड फॉरवर्डेड चलता है। तो टीचर फॉरवर्डेड हो गया, ईडी लग गया सेट के कारण, टीचर फॉरवर्डेड चिल्ड्रेन। उसके बाद देखिए एक चीज याद रखिएगा, फॉरवर्डेड जो होता है वो ऑर्डर का भी बोध कराता है लेकिन वो मना करने के रूप में होता है, अर्थात आपको आदेश दिया जाता है ऐसा ना करने के, ये आदेश का ही बोध कराया जाता है। फॉरवर्डेड जो है वो आदेश का ही बोध कराता है लेकिन मना करने के लिए, ठीक है। तो टीचर फॉरवर्डेड चिल्ड्रेन, यही कारण है कि जब फॉरवर्डेड का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे नॉट भी लगाते हैं, या डोंट लगा रहता है तो उसको हटा देते हैं। तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा को टू में बदल दिए और डोंट को क्या करेंगे वहां से रिमूव कर देंगे, बाकी नेवर। इस प्रकार से आप फॉरवर्ड वाले सेंटेंस को भी आपने सीख। बस इसमें यही चीज ध्यान रखना है कि यदि फॉरवर्ड का प्रयोग होगा तो उसके साथ नो या नॉट अलाउड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद निगेटिव का बोध कराता है। बस इसको ध्यान रखेंगे, इफ फॉरवर्डेड अपीयर डोंट वैनिशेस, यदि फॉरवर्डेड आ गया तो आपको डोंट को क्या करना पड़ेगा, छिपाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इंपरेटिव सेंटेंस के साधारण से वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा। कल मैं बताऊंगा जिस प्रकार इम्फैटिक इंपरेटिव का हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, और इसके बचे हुए कुछ और एग्जांपल्स को मैं सॉल्व करूंगा, साथ ही कुछ रूल्स और रेगुलेशन आवश्यकता पड़ी तो उसे मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए आज के लिए सूर्या को जाने की अनुमति दीजिए।